Dear students, welcome to this online lecture series, and today I will discuss about the unit 3, the component that is accessing union catalogs. Basically, we will try to discuss how you can access the library catalogs or the other online union catalogs, and what are the different retrieval features that are available in these kind of catalogs, which you can be aware, and in future in your research or in your studies you can apply that. With this introduction, later on we will also discuss about the features of electronic databases as well as institutional repositories, and we will also discuss some other aspects of the unit which you have, unit 3. So let us start. इन दोनों कैटेगरी के जो IRS हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जो मीडियम है, वो मीडियम बेसिकली दो तरीके से प्रोवाइड किया जाता है. पहला है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन मोड, जो कि जिसमें एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, जिस वेबसाइट पे हम जाते हैं और उसे एक्सेस करते हैं. इसका बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, जैसे अगर आपको गूगल स्कॉलर विज़िट करना है तो आप scholar.google.com पे चले जाते हैं. तो आप इंटरनेट पे वर्ल्ड वाइड वेब पे जाते हैं और वहाँ पर scholar.google.com की एक वेबसाइट है, वहाँ जाते हैं और उसे एक्सेस कर लेते हैं. दूसरा है कि एक और ऑफलाइन मीडियम है, जिसमें वेंडर आपको एक पेन ड्राइव में सारा कंटेंट प्रोवाइड करता है और उस पेन ड्राइव को हम मशीन में इंसर्ट करते हैं और उस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, और हर साल जो है वो वेंडर एक नई पेन ड्राइव लॉन्च करता है जिसे हमको ख़रीदना पड़ता है. तो एक ये भी तरीका है. तो इसमें दोनों के अपने बेनिफिट हैं, अपने नुकसान हैं. जैसे कि ऑनलाइन का बेनिफिट ये है कि इसे कभी भी एक्सेस किया जा सकता है और अपडेट होने के चांस आसान से होते हैं, मतलब कि वेंडर कभी भी चाहे तो उसमें नया कंटेंट ऐड कर सकता है. जबकि पेन ड्राइव वाले में ऑफलाइन होने की वजह से एक बार कंटेंट ऐड कर दिया तो दोबारा कंटेंट ऐड करने के लिए फिर इंतज़ार करना पड़ता है, उसका अपडेट का इंतज़ार करना पड़ता है. लेकिन ऑनलाइन में एक और नुकसान क्या है वेंडर के पर्सपेक्टिव से, कि ऑनलाइन में हैकिंग होने के, अनऑथराइज एक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं, जबकि पेन ड्राइव में अनऑथराइज होने के चांस कम रहते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव लॉक्ड होती है और उसमें एक पर्टिकुलर पासवर्ड से ही उसमें एंट्री मिलती है और आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और बहुत सारे अदर फीचर्स होते हैं उसमें. इसीलिए और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि सिंगल यूज़र होता है, तो वेंडर जितने यूज़र से यूज़ करेंगे हर यूज़र से वेंडर चार्ज लेते हैं. तो हालांकि ये हमारे टॉपिक डिस्कशन का नहीं है, इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं. जो हम लोग जिस पूरे कॉम्पोनेंट में डिस्कस करेंगे, कुछ फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लेंगे. जैसे OPAC आज हम लोग लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, इंस्टीट्यूशनल रिपॉजिटरीज, फेडरेटेड सर्च सिस्टम्स, डिस्कवरी सिस्टम्स, इन सब के जो है फीचर्स को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. और ज़्यादा फोकस हमारा होगा कि ये हैं क्या चीज़ और इनमें रिट्रीवल के क्या फ़ीचर्स हैं, कैसे सर्चिंग जो है प्रोवाइड कराते हैं. इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि यूज़र्स गेट एक्सेस टू रिमोट डेटाबेसेस दैट आर ऑफन मेनी इन नंबर एंड लार्ज इन साइज. ये डेटाबेसेस ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे डेटाबेसेस प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़े डेटाबेस होते हैं, मतलब बहुत सारा कॉन्टेंट जो होता है इसमें होता है, ठीक है. और ज़्यादातर सिंगल सर्च इंटरफेस से इनको हम सर्च कर सकते हैं. और डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे. डेटाबेस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें बिब्लियोग्राफिक डिटेल ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट्स भी और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे साइटेशंस एटसेट्रा. और कुछ डेटाबेस जो हैं वो हमको फुल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो कॉन्टेंट है उसका फुल टेक्स्ट भी प्रोवाइड करते हैं. और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अपने सर्च इंटरफेस होते हैं और उसमें बहुत अच्छी सर्चिंग एंड रिट्रीवल कैपेबिलिटीज़ होती हैं. ज़्यादातर यूज़र्स को इसमें रजिस्टर करना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, या तो यूज़र रजिस्टर्ड होते हैं या फिर उनके बिहाफ में कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन अपने आप को रजिस्टर कराता है. एंड यूज़र्स आर चार्ज फॉर सर्चिंग एज वेल एज फॉर द कॉन्टेंट ऑल्सो. कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं जहाँ पर चार्जिंग जो सर्चिंग जो है उसके लिए चार्ज नहीं लगता है, बट अगर आपको फुल टेक्स्ट चाहिए तो आपको पे करना पड़ता है. और कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको
सर्चिंग के लिए भी पहले पे करना पड़ता है और फुल टेक्स्ट के लिए अलग से पे करना पड़ता है। ज़्यादातर जो मॉडर्न ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके अपने वेब इंटरफेस हैं, उसमें एक बहुत अच्छे सर्च फीचर्स हैं अवेलेबल हैं और फुल टेक्स्ट से उनका लिंक भी अवेलेबल होता है। इसी तरह अगर हम रिट्रीवल फीचर्स की बात करें कि रिट्रीवल फीचर्स कौन कौन से मौजूद होते हैं किसी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में, जिसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी समझ चुके हैं सर्च टेक्निक्स वाले पोर्शन में, जहाँ पर हमने बूलियन सर्च और ट्रंकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च टेक्निक्स को देखा था, थोड़ा सा उसको यहाँ पर रिवाइज भी कर लेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि यूज़र्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो किस डेटाबेस में सर्च करना चाहता है। ज़्यादातर डेटाबेसेस जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं वो एक से ज़्यादा डेटाबेस को भी सर्च प्रोवाइड करते हैं, तो यूज़र के पास एक विकल्प होता है कि वो किसी एक डेटाबेस को सर्च करना चाहता है या बहुत सभी को सर्च करना चाहता है। इसी तरह से हर एक में लगभग सिंपल और एक एडवांस सर्च का फीचर होता है, जिसको नोविस सर्च या एक्सपर्ट सर्च में भी डिवाइड कर सकते हैं, मोड अवेलेबल होता है। सिंपल सर्च में बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सर्च बार होती है और एडवांस सर्च में हम मल्टीपल सर्च टेक्निक्स का एप्लीकेशन करके सर्चिंग कर सकते हैं। एंड सर्च जो है ज़्यादातर कीवर्ड सपोर्टेड होती है, जिसमें हम फ्रेज का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमन सर्च में जैसे हम समझ सकते हैं फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिलियन सर्च है, ट्रंकेशन है, वेरिएंट फॉर्म्स है, प्रॉक्सिमिटी सर्च है, फील्ड सर्च है, ये सब ऑलरेडी पहले से हम समझ चुके हैं, ये सब एप्लीकेबल होते हैं ज़्यादातर में। और उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी हम लगा सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे लैंग्वेज वाइज किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही सर्च करना है, डेट वाइज, टाइप ऑफ मटेरियल वाइज एट्सेट्रा, ये सब जो है हम देख सकते हैं। तो ए सर्च कैन बी कंडक्टेड फॉर ए रेंज ऑफ पीरियड, रेंज भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि किसी पब्लिकेशन जैसे हम चाहते हैं कि नहीं पिछले 10 साल का ही डेटा देखना चाहते हैं, तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक्स ईयर से लेके वाई ईयर के बीच का ही हमको देखना है डेटा। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो किसी टर्म की फ्रिक्वेंसी को भी शो करते हैं कि कितनी बार वो टर्म आ रही है, कितने इसमें जो है वो टर्म डॉक्यूमेंट में मौजूद है, ये सारे डिस्प्ले भी करते हैं। और कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो कि थिजोरस को भी इनबिल्ट करके रखते हैं, थिजोरस उसके अंदर एक इनबिल्ट फीचर होता है हर एक सर्च इंटरफेस में। हम लोग देखेंगे अभी आज एग्जांपल्स कुछ ऐसे भी जहां पर थिजोरस इम्प्लीमेंटेड है। और सर्च रिजल्ट्स कैन बी सॉर्टेड एंड समटाइम्स रैंक्ड बाई सिलेक्टेड क्राइटेरिया, जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको सॉर्ट किया जा सकता है और उनको रैंक भी किया जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर। जैसे हम पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं टाइटल वाइज सॉर्ट हो जाए या सब्जेक्ट वाइज हो जाए या ऑथर के सरनेम वाइज हो जाए, ये सब हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो है अमूमन सभी जो भी रिट्रीवल फीचर उनके यूज़र इंटरफेस में, जो यूज़र इंटरफेस होता है उसमें ये बेसिक फीचर सभी में मौजूद होते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को, हम समझ लेते हैं कि जो टर्म्स बहुत ज़रूरी है समझना, जिसको हम जिन टर्म्स को हम बार बार यूज़ करेंगे अपने इस पूरे डिस्कशंस में। तो पहला टर्म है जिसको बोलते हैं सर्च बार। सर्च बार बिल्कुल ऐसी होती है देखने में, आपने जानते होंगे गूगल में भी आपने जब सर्च करते हैं तो इसी तरह की एक बार दिखाई देती है जिसमें आप अपने टर्म जो भी सर्च करना है उसको टाइप करते हैं, इसको हम बार बोलते हैं। बार का मतलब होता है कि एक छोटा सा एक कॉलम की तरह हम इसको वो करते हैं, और इस बार के अंदर हम कोई भी जो सर्च कीवर्ड डालना चाहते हैं वो कीवर्ड टाइप कर देते हैं और उसके बगल में सर्च का बटन होता है जहाँ पे हम दबा देते हैं। फील्ड्स सेकंड कॉन्सेप्ट है जो जिसको हम बोलते हैं। फील्ड्स का मतलब ये होता है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करते हैं ना, तो वहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे डेटा को स्टोर करते हैं, तो सर्चिंग के दौरान हम उन एट्रीब्यूट्स के साथ सर्चिंग कर सकते हैं। और जब हम किसी फील्ड, इनको हम फील्ड बोलते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक फील्ड है एफिलिएशन, ऑल फील्ड्स का मतलब सबको इंक्लूड कर लिया, ऑथर कॉरपोरेट फर्स्ट ऑथर, बुक डेट कंप्लीशन और एडिटर, ISBN, ये सब क्या है, फील्ड्स हैं। मतलब कि जो डेटा है जो स्टोर्ड है अंदर बैकग्राउंड में डेटाबेस में, उस डेटा को सर्च करने के लिए हम रिकॉर्ड्स को सर्च करने के लिए हम इन फील्ड्स के माध्यम से रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है सर्चिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ रिजल्ट डिस्प्ले। रिजल्ट डिस्प्ले का मतलब है कि वो स्क्रीन जब आप कुछ सर्च करते हैं और जो रिजल्ट्स आपको शो करता है इंटरफेस पे, उसको हम कहते हैं रिजल्ट डिस्प्ले। तो यूजुअली जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको समझ लेते हैं, जैसे ज़्यादातर में नंबर ऑफ़ रिजल्ट शो कर दिया जाता है,
कुछ में यहाँ पर टाइम भी शो किया जाता है कि कितने समय में इसको रिट्रीव करके लाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। और उसके बाद हमको डिफरेंट जो रिकॉर्ड रिजल्ट्स रिट्रीव हुए हैं उन रिजल्ट्स को एक लिस्ट के माध्यम से शो कर दिया जाता है। कुछ डेटाबेस में इसको नंबरिंग कर दी जाती है, कुछ में बिना नंबर के डायरेक्टली शो कर दिया जाता है इसको। ये रिजल्ट डिस्प्ले पेज है जिसमें हमको अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर डेटा की, और जो यहाँ पर कुछ में रिफाइन सर्च करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। इनको हम लोग और डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है दैट इज़ रेलेवेंस रैंकिंग। रेलेवेंस रैंकिंग का मतलब है कि जब इसको हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि जो अगर हम पिछला देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जो रिजल्ट्स आए हैं जैसे 238 रिजल्ट्स आए हैं, तो 238 रिजल्ट्स में से कैसे ये डिसाइड होगा कि ये पहला वाला रिजल्ट सबसे पहले जो है आपको यही रिजल्ट दिखाना है, ये तो 238 में से यही वाला कैसे पहले आएगा। दैट इज़ कॉल्ड रेलेवेंस रैंकिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ सम एल्गोरिदम इन द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में एक एल्गोरिदम का यूज़ करके ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो सबसे पहले दिखाया जाएगा। मतलब कि जो रिकॉर्ड्स जो रिट्रीव हुए हैं उन रिकॉर्ड्स को अरेंज कैसे किया जाएगा अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेवेंस रैंकिंग। और इसे अदर अदर मेथड से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड रिलेवेंस रैंकिंग का भी है। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डिस्प्ले। रिकॉर्ड डिस्प्ले का मतलब है कि जब किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो उस रिकॉर्ड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज। यहाँ पर देखिए जैसे थॉट फॉर द डे, ये एक रिकॉर्ड है, उसका ऑथर कौन है और उसके और अदर ऑथर्स कौन से हैं, सीरीज़ क्या है और पब्लिश्ड बाई क्या है, मतलब और जो बाकी डिटेल्स हैं वो हमको यहाँ पर जो रिकॉर्ड के बारे में डिटेल है, ये रेफरेंस बुक है और इसकी लोकेशन क्या है और इसका कॉल नंबर क्या है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज में मिलती है। और लास्ट पॉइंट है दैट इज़ आइटम आइडेंटिफायर और लोकेशन। जैसे आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स जो हैं हमको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर आइटम की लोकेशन बताते हैं, तो यहाँ पर जो लोकेशन है वो कौन सी टर्म हमको यहाँ से, जैसे देखिए यहाँ पे कॉल नंबर बता रहा है, तो कॉल नंबर का मतलब है कि ये जो पोर्शन है ये आपके काम का है, यहाँ पर आप उसकी लोकेशन को देख सकते हैं। तो ये टर्म्स जो हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आएंगे कि फील्ड का मैं नाम लूँगा, रिजल्ट डिस्प्ले पेज का नाम लूँगा, रिलेवेंस रैंकिंग का नाम लूँगा, रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज का मैं नाम लूँगा, या लोकेशन या आइटम आइडेंटिफायर्स का नाम लूँगा, तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो सब टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फीचर्स ऑफ ओपैक्स। जो ओपैक्स हैं ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स, उनका उनमें कौन से इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फीचर्स जो हैं मौजूद होते हैं। तो ओपैक क्या है बेसिकली, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ओपैक जो है वो एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी का कैटलॉग होता है, ठीक है, जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है। मतलब कि कैटलॉग क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उन डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, एक इंडेक्स होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसके ज़्यादा डिटेल में ना जाके हम इसको इस तरह समझें कि ओपैक अगर हम देखेंगे, जैसे अभी हम अपने हमारे BBOU के भी अपना एक ओपैक है जिसमें कि उस हम देख सकते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स कौन सी बुक्स या जर्नल्स या आर्टिकल्स जो है हमारे BBA की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, ये हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो जहाँ पे इसके रिट्रीवल फीचर्स की बात करें तो दोनों तरह के फीचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्राउजिंग का फीचर भी अवेलेबल होता है और सर्चिंग का भी। ब्राउजिंग का मतलब है कि हम ब्राउज करके देख सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, और ब्राउजिंग वहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल होती है जहाँ पर कि यूज़र जो क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, बट हम देखना चाहते हैं कि कलेक्शन के अंदर क्या मौजूद है, क्या ऑप्शंस हैं जो हमारे पास। और सर्च फैसिलिटी का क्या मतलब है कि हमें एग्जैक्ट पता होता है कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं, जिसमें हमें कीवर्ड पता होना चाहिए या फिर हमें किसी ऑथर का नाम या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो। तो यूजुअली क्या होता है कि हम स्टार्ट सर्चिंग से करते हैं और फिर ब्राउजिंग करते हैं, अमंग द रिजल्ट्स उनको ब्राउज करते हैं, ठीक है। सर्च फीचर्स में अगर हम बात करें तो कीवर्ड एंड फ्रेज सर्चिंग बिल्कुल बेसिक है। कीवर्ड का मतलब है कि हम कोई कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और एक यूनिक चीज़ जो होती है ओपैक्स के साथ एसोसिएटेड वो ये होती है कि जो
ओपैक्स में जो कैटलॉगर होता है या इंडेक्सर होता है, वो सब्जेक्ट हेडिंग्स असाइन करता है रिकॉर्ड्स को, और वो सब्जेक्ट हेडिंग वो किसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट या किसी इसी तरह के सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट से लेता है। तो अगर यूज़र्स इस लिस्ट से अवेयर हैं तो वो उन सब्जेक्ट हेडिंग्स से भी डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं जिसमें उनको बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट होती हैं वो एक वोकेबलरी कंट्रोल डिवाइस की तरह काम करती हैं, जो कि वोकेबलरी को कंट्रोल करने का काम करती हैं। उसके अलावा बूलियन सर्च जो है वो कीवर्ड सर्च ऑप्शन के साथ ऑलवेज बूलियन हम लगा सकते हैं, और प्रॉक्सिमिटी सर्च भी जो हम समझ चुके हैं, पहले भी हमने देखा था प्रॉक्सिमिटी सर्च के आसपास आने वाले, ये भी कुछ में मिल जाता है। और सर्च रिजल्ट्स आर यूजली नॉट रैंक्ड, ज़्यादातर ट्रेडिशनल ओपैक्स में हम देखेंगे तो जो सर्च रिजल्ट्स हैं उनको उनकी कोई रैंकिंग नहीं होती है। अभी हम लोग दिखाएंगे, अभी हम लोग कुछ स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और सर्चिंग ऑफ रिकॉर्ड्स थ्रू सिलेक्टेड फील्ड्स, ऑथर टाइटल, ISBN, इन सब से हम सर्चिंग फील्ड स्पेसिफिक सर्चिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमें ऑथर का नाम पता है तो हम ऑथर फील्ड में ही सर्च करेंगे तो हमको एग्जैक्ट वही ऑथर पे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इसी तरह टाइटल वाइज सर्चिंग कर सकते हैं, अगर ISBN पता है तो हम ISBN फील्ड का चुनाव करके सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूजली जो ज़्यादातर क्या होता है ऑटोमेटिकली राइट ट्रंकेटेड होते हैं। ट्रंकेशन की अगर हम बात करें तो ट्रंकेशन का मतलब है कि जैसे आप कोई शब्द लिखें तो उसके उस शब्द से शुरू होने वाले सारे शब्द ऑटोमेटिकली सर्च हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं राइट ट्रंकेशन। और लेफ्ट ट्रंकेशन का मतलब होता है कि उस पर जो भी आपने कीवर्ड दिया उस कीवर्ड से अंत होने वाले सारे शब्दों को ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम सर्च कर लेता है। इसके अलावा सर्च रिजल्ट्स को हम लिमिट भी कर सकते हैं, डेट वाइज, कलेक्शन वाइज, लैंग्वेज वाइज, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वाइज भी कर सकते हैं। और ब्राउजिंग में फैसिलिटेट नेविगेशन का भी फीचर होता है जिसमें कि हम जो रिजल्ट्स आए हैं उनके अंदर फिर सर्च कर सकते हैं, फिर उनके अंदर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बड़े बॉक्स में हमने सर्च किया जो फिर रिजल्ट आए, कुछ रिजल्ट्स आए, फिर उसके अंदर फिर सर्च किया, फिर कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ उसके अंदर फिर सर्चिंग, तो इस तरह हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट नेविगेशन। तो ये देखिए एक यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे ट्रेडिशनल वेब ओपैक्स में किस तरह से जो है वो सिस्टम था पहले, ज़्यादातर अब नहीं यूज़ होता है ये। इसमें क्या था कि एक ओपैक बोलते थे उसको, वेब ओपैक बाद में बोलना शुरू किया, शुरू में ओपैक थे। ओपैक का मतलब ये है कि किसी एक सॉफ्टवेयर को हमको अपनी PC में इंस्टॉल करना पड़ता था, और ये सॉफ्टवेयर फिर डायरेक्ट जो है डेटाबेस से कम्युनिकेट करता था। इस डायग्राम में थोड़ा गलत है, इस डायग्राम में ये डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट करता है, और तो यहाँ पर जो है वो ये आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से सर्च करते हैं और जो रिजल्ट्स आता है वो जैसे आपने CDS ISIS देखा होगा तो उसका यूज़ करते थे पहले, या फिर अपना अलग से कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी। इसमें नुकसान क्या था कि हर मशीन पे जिस पे हमको कैटलॉग सर्च कराना है उस मशीन पे एक अलग से हमको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया कि अब एक वेब एप्लीकेशन के तौर पर इसको डिज़ाइन कर दिया, और अब हम थ्रू वेब ब्राउज़र उसे सर्च कर सकते थे। जैसे ये एक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का ऑनलाइन कैटलॉग का इंटरफेस है, जो कि हम यहीं से बैठे बैठे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का ऑनलाइन कैटलॉग भी सर्च कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब हम एक वेब सर्वर एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट कर देते हैं, और इस वेब सर्वर एप्लीकेशन से जो पेजेस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और हमको डेटा मिलता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वेब है। जैसे इसका एक एग्जांपल, एक स्क्रीनशॉट जैसे यहाँ पर हमने दिया, ये सोल सॉफ्टवेयर बैकएंड में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स, आप एक पेज पे कितना रिकॉर्ड दिखाना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स है तो एक पेज पे 10 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होगा। दूसरा बेसिक सर्च है इनका, इन्होंने इसको सिंपल और एडवांस में नहीं बदला है, बल्कि बेसिक सर्च है, फ्री टेक्स्ट सर्च है और बूलियन सर्च, इन तीन टाइप में इन्होंने डिवाइड किया है। और इसमें देखिए यहाँ पर जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं फील्ड। यहाँ पर हम फील्ड का चुनाव कर रहे हैं, जैसे यहाँ टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, और यहाँ पर ये जो सर्च बार है इस सर्च बार में हम अपना कीवर्ड टाइप करते हैं और यहाँ पर सर्च प्रेस करते हैं, या फिर जैसे अगर हम कीवर्ड को कहीं भी वो कीवर्ड मैच कर जाए तो उसको हम कंटेंस, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, मतलब फ्री टेक्स्ट सर्चिंग है। और अगर एग्जैक्ट चुनते हैं इसका मतलब है फ्रेज सर्चिंग, जो हम लोग फ्रेज सर्चिंग पढ़े हैं,
उसको अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है तो एग्जैक्ट पे क्लिक करेंगे। और ऐसे ही जो अगर हम लेफ्ट ट्रंकेशन चाहते हैं, सॉरी राइट ट्रंकेशन चाहते हैं तो बिगिंस विद पे क्लिक करेंगे, और अगर लेफ्ट ट्रंकेशन चाहते हैं तो एंड्स विद पे क्लिक करेंगे। बिगिंस विद का मतलब कि उस शब्द से शुरू होने वाला, जैसे हम लाइब्रेरी, लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी सब कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम LIBRAR पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद बिगिंस विद कर देंगे तो सारे लाइब्रेरी से जितने भी टर्म लाइब्रेरी, लाइब्रेरियनशिप, लाइब्रेरियन जो भी है वो सारे टर्म सर्च जाएगा। या जैसे कंप्यूट का एग्जांपल दिया जाता है, कंप्यूटर, कंप्यूटेशन और कंप्यूटराइजेशन, ये सारे टर्म्स अगर सर्च करने हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद है इन्होंने कहा फ्री टेक्स्ट सर्च, जो कि टाइटल और ऑथर और सब्जेक्ट हेडिंग में हम सर्च करना चाहते हैं। मतलब कि टाइटल में भी सर्च होगा, ऑथर में भी सर्च होगा और सब्जेक्ट हेडिंग में भी। यहाँ पर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि हम किस में करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते थे कि किस में हमको करना है। तो यही डिफरेंस है। तो फ्री टेक्स्ट सर्च में भी सारे वो बाकी के ऑप्शंस वैसे ही हैं। हम यहाँ कीवर्ड टाइप करते हैं, सीधा सर्च पे प्रेस कर देते हैं, ये टाइटल में भी सर्च करता है, ऑथर में भी करता है, सब्जेक्ट हेडिंग में भी करता है। तीसरा जो है वो बुलियन सर्च ऑप्शन है, मतलब कि हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ से फील्ड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमको टाइटल सर्च करना है तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में टाइटल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर टाइटल के अंदर जो चीज़ मिलनी चाहिए वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ एंड और नॉट सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई एंड और नॉट कौन सा वाला बुलियन ऑपरेटर लगाना चाहते हैं। फिर दूसरा ऑथर में करना है तो ऑथर कर लिया यहाँ पे, फिर ऑथर का नाम लिख दिया, और उसके बाद फिर अगर कोई और टर्म में है तो फिर और यूज़ करके उस टाइटल में और टर्म यूज़ करके सर्च करें। तो ये जो इस तरह के इंटरफेस है ये ट्रेडिशनल वेब में है। जब हम सर्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स रिट्रीव दिखाता है, कितने रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं, और उसके बाद हर रिकॉर्ड में एक टाइटल दिखा देगा, ऑथर दिखा देगा, कौन कौन से ऑथर्स हैं, पब्लिशर क्या है, मतलब कि बिब्लियोग्राफिक डिटेल जो है इस। और ये कौन सा पेज है, दिस इज़ रिजल्ट डिस्प्ले पेज, और यहाँ पर हर एक रिजल्ट जो रिजल्ट डिस्प्ले में कई सारे रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, और अगर किसी एक पे हम क्लिक करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम देखते हैं, दैट इज़ रिकॉर्ड डिस्प्ले। जैसे यहाँ पर हम उसके मेटाडेटा को देख सकते हैं, टाइटल, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें देखना है दैट इज़ दी कॉल नंबर, कॉल नंबर को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम देख सकते हैं, हम ये भी मिला सकते हैं कि ये जो बुक है वो उसी पर्टिकुलर ऑथर की है कि नहीं जिसकी हम चाहते थे, या फिर उसी पब्लिशिंग हाउस से है कि नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि यूज़र को कौन सी चीज़ याद रहे। हो सकता है उसे पब्लिशर याद रहे, या उसको यही पता हो कि वो कहाँ से छपी थी बस, और टाइटल और कहाँ से छपी थी यही पता हो, तो इससे भी ढूंढ सकता है, कंफर्म हो सकता है कि हाँ ये वही बुक है रिकॉर्ड डिस्प्ले में। और साथ साथ अगर उसको ISBN पता है तो फिर डायरेक्ट ISBN से तो एक ही बार में सही डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकता है। तो ये जो है ट्रेडिशनल है। जैसे ये भी एक देखिए स्क्रीनशॉट है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का, ये और भी ज़्यादा ट्रेडिशनल है। इसमें भी इन्होंने रिकॉर्ड्स रिट्रीव दिखाया है और टाइटल का किस टाइटल से सर्च किया ये भी दिखाया है, बट इन्होंने देखिए बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया है ये। इन्होंने इसमें रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज नहीं है, बस रिजल्ट ही है, और यहाँ से आप जो है लोकेशन देख सकते हैं, बस कॉल नंबर भी नहीं देख सकते, सिर्फ लोकेशन देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक तरह का इंटरफेस है। अगर हम फीचर्स की बात करें ट्रेडिशनल वेब पैक्स में, तो जैसे हमने देखा कि कीवर्ड सर्च अवेलेबल है, ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, ISBN, LCCN सर्च, बूलियन क्वेरीज, प्रॉक्सिमिटी सर्च, ये सब ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और इसमें से अगर आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। एंड ब्राउज करने के लिए अगर हम देखें तो अथॉरिटी हेडिंग्स और टाइटल कॉल नंबर से हम ब्राउज कर सकते हैं। अथॉरिटी हेडिंग्स का मतलब कि अगर हम ऑथर वाइज भी ब्राउजिंग कर सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे किस तरह से ये होता है। उसके बाद हर एक की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, होल्डिंग्स डेटा, लाइब्रेरी के पास कितनी कॉपीज़ अवेलेबल हैं, और वेदर अभी अवेलेबल है कि नहीं ये भी हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि इशूड है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं है। और बैकग्राउंड में ये लाइक स्टेटमेंट्स, एग्जैक्ट, पार्शियल मैच और लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम का यूज़ करता है। इसमें रेलेवेंस रैंकिंग पुअर होती है, बहुत ख़राब रेलेवेंस रैंकिंग है, उतना अच्छा रेलेवेंस रैंकिंग का एल्गोरिदम नहीं है, और फिज़िकल कलेक्शंस के लिए ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इंटीग्रेटेड वेब ओपैक पोर्टल्स। तो इंटीग्रेटेड वेब ओपैक पोर्टल्स में जो हम बात करेंगे उसमें क्या है कि आपके जो अब क्या कर दिया, कुछ वेबसाइट का कंटेंट बना दिया जो कि स्टैटिक है, जिसका हम पहले से बना के रखते हैं,
जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी अपना जो डेटाबेस है मतलब कैटलॉग का वो है, और हमने पैटर्न मतलब यूज़र के डेटाबेस को भी इससे कनेक्ट कर दिया, और ये सारी चीज़ें अब हमको एक वेब पोर्टल के थ्रू अवेलेबल है। साथ साथ अगर हम चाहें तो कुछ एनरिचमेंट सर्विसेज इंटरनेट पे अदर सर्विसेज हैं उनका यूज़ करके भी हम यहाँ पर इसको और ज़्यादा अनरिच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की जो कवर इमेजेस हैं, कवर इमेजेस डेटाबेस में स्टोर नहीं है, कवर इमेजेस हमको अदर सर्विसेज हैं जैसे अमेज़ॉन की सर्विस है कवर पेज, या गूगल बुक्स की सर्विस है, या फिर लाइब्रेरी थिंग्स की सर्विस है, वहाँ से हम इसके कवर पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर वो बिल्ट इन होता है, और वो जैसे ही हम कोई नई एंट्री करते हैं उसके कवर पेज को वो फेच करके दूसरी जगह से ला के डिस्प्ले कर। इसी तरह से रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, मतलब एक तरह का पूरा इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल की तरह इसको डेवलप करते हैं, और इसको हम लोग ज़्यादातर टर्म देते हैं वेब ओपैक का। आज के नेक्स्ट जनरेशन वेब कैटलॉग्स या नेक्स्ट जनरेशन कैटलॉग्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये एक जैसे ये एक इंटरफेस है। अब देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी कैटलॉग है, ये देखिए यहाँ पर बेसिक जो है वो बुक कौन सी नई बुक्स जो है वो ऐड हुई हैं उनका यहाँ पर दे रखा है कि ये इन सारी बुक्स जो हैं अभी ऐड हुई हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो एक पूरा फील आता है एक यूज़र को, इसमें जो है यूज़र लॉगिन कर सकता है, उनका अपना एक स्पेस होता है, वो अपनी कौन सी बुक्स उनको इशू हुई हैं, कौन सी रिटर्न हुई हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हमने गांधी से सर्च किया है तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो इसका मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी जो हमारे पास है BBAU की, उसका इंटरफेस है। यहाँ पर भी आप देखिए लॉगिन कर सकता है यूज़र अपने अकाउंट से और सर्चिंग कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसी के जैसा जो अभी हमने जो VSL विक्रम साराभाई लाइब्रेरी IIM अहमदाबाद की है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हम लोग जो सर्च कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कैटलॉग में हम यहाँ फील्ड का चुनाव कर सकते हैं कि हम टाइटल में सर्च करना चाहते हैं, ऑथर में करना चाहते हैं, सब्जेक्ट में, ISBN, सीरीज़, कॉल नंबर, किस में हम सर्चिंग करना चाहते हैं, ये हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हैं और टाइप वाइज कर सकते हैं, जैसे बुक्स में ही करना चाहते हैं, कंटिन्यूइंग रिसोर्सेज में, हिंदी बुक्स में, इंटर लाइब्रेरी लोन में अवेलेबल हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में सर्च करना चाहते हैं, या बहुत सारे डिफरेंट स्पेसिफिक हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आप अवेयर हो जाएंगे कि जैसे थीसिस भी यहाँ अवेलेबल है, और अगर हम कोई मूवीज़ भी अवेलेबल हैं तो अगर सिर्फ मूवी ढूंढना है तो हमने सीधा मूवी सेलेक्ट किया, मूवी का नाम टाइप किया, अगर वो अवेलेबल होगा तो दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी ऑल आइटम्स लेते हैं और एक सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सर्च किया गांधी से, तो गांधी से जब हमने यहाँ पे इस कीवर्ड टाइप कर दिया, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गो पे। तो जब हमने गो पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखिए कि इसने कुल 1380 रिजल्ट 1380 रिजल्ट को रिट्रीव करके लाया डेटाबेस में, मतलब कि इस टर्म से मैच करते हुए हमारे पास 1380 रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। और ये जो है हमारा रिजल्ट डिस्प्ले पेज है, और देखिए हर रिकॉर्ड के आगे कुछ कवर पेजेस भी अवेलेबल हैं, कुछ में नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम अपने रिफाइन भी कर सकते हैं सर्च को, मतलब कि जो फिल्टर्स है जिसको हम बात कर रहे थे फेस्टेड नेविगेशन की, कि अमंग 1380 रिजल्ट्स अगर हम कुछ 13 रिजल्ट्स MK गांधी से बिलोंग करते हैं, 18 रिजल्ट मोहनदास करमचंद गांधी से बिलोंग करते हैं, MP गांधी के 7 है, तो अगर हम किसी या फिर जैसे होल्डिंग्स लाइब्रेरी वाइज देखना चाहें तो 1356 रिजल्ट विक्रम साराभाई लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं। आइटम टाइप वाइज देखें तो शो मोर करेंगे तो और भी दिखाई देगा हमको, और ऐसे ही लोकेशन वाइज अगर हम जनरल स्टैक्स मतलब लाइब्रेरी में जो लोकेशन है, रेफरेंस स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स है, देखें यहाँ पे बुक पेपर्स वर्किंग पेपर्स 41 है, 9 थीसीज है इनके पास, एक मूवीज भी है इनके पास। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर हम मूवी को देखना चाहते हैं तो हमको मूवी पे क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारा रिजल्ट जो है, जैसे हमने यहाँ मूवीज़ को क्लिक किया तो अब हमारे जो 1380 रिजल्ट हैं उसके अंदर जितने मूवीज़ होंगी वो हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगी। चूँकि एक ही है इसलिए डायरेक्ट हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज खुल गया, नहीं तो जो है वो हमारा
डिफरेंट पेज खुलता है। जैसे अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज है, तो रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज में देखिए रिचर्ड एटनबरो की मूवी हम लोग सब लोग जानते हैं, ये मूवी हम लोग हमेशा देखते हैं और ऑलवेज़ ये मूवी जो है 2 अक्टूबर को डीडी नेशनल पे ज़रूर आती है। तो रिचर्ड एटनबरो की जो मूवी है इसमें देखिए ये इन्होंने पब्लिशर कौन है, इसका मटेरियल टाइप क्या है, सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट हेडिंग्स दे रखे हैं और इसका DDC क्लासिफिकेशन नंबर भी दे रखा है। अगर आपको इशू कराना है तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए। सिमिलरली फादर ऑफ नेशन, ये थोड़ा सा समरी दे दिया है यहाँ पर, और इस लिस्ट को कई जगह पे एक लिस्ट के फॉर्म में भी दे रखा है, और टैग्स बहुत सारे टैग भी हम दे सकते हैं, एज ए यूज़र हम भी टैग दे सकते हैं। तो टैग एक तरह की इंडेक्स एंट्री टर्म्स ही हैं, बट वो यूज़र के द्वारा दी हुई हैं। उसके बाद जो है हम होल्डिंग इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जैसे कि किस तरह का टाइप क्या है, इसका लोकेशन कहाँ पर ही अवेलेबल है। अगर जैसे कई बार क्या होता है, कई लाइब्रेरीज़ में चीज़ें अवेलेबल होते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास BBAU में लॉ के डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की अलग लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो अगर हम उसका सबका एक ही कैटलॉग, तो हम यहाँ लोकेशन देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में वो बुक अवेलेबल है, और कॉल नंबर यहाँ से देख सकते हैं। और एक और अच्छा फीचर है कि हम ब्राउज़ कर सकते हैं, कि जो ये जो शेल्फ है को हम डायरेक्टली ब्राउज़ कर सकते हैं कि इसके आसपास कौन कौन सी जो है हम रखी हुई है। जैसे आप देखिए गांधी मूवी के बगल में लिंकन की मूवी रखी हुई है, और मार्जिन कॉल मूवी, आउट ऑफ अफ्रीका। तो ये हम यहाँ से ही बैठे बैठे जो स्टैक्स के अंदर कैसे बुक्स, कैसे जो डॉक्यूमेंट्स को रखा हुआ है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। अगर हम एडवांस सर्च की हम बात करें, इसके अलावा यहाँ पे हम अपने रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं या शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। एडवांस सर्च फीचर में जो ये लाइब्रेरी कैटलॉग में ज़्यादातर, जैसे अभी हमने देखा कि जैसे अगर हम सर्च करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल हम टाइटल में झारखंड सर्च करना चाहते हैं, और बाकी हम जो है वो ऐसे ही टाइटल में हम डिफॉरेस्टेशन भी सर्च करना चाहते हैं, मतलब हम जो इंटरेस्टेड हैं वो झारखंड डिफॉरेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अगर हम मोर ऑप्शंस पे क्लिक करें तो हमको यहाँ पर एंड और नॉट ऑपरेटर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कीवर्ड, जैसे मान लीजिए कि हम टाइटल में देखना चाहते हैं झारखंड, और एंड, और यह भी टाइटल के अंदर ही हम डिफॉरेस्टेशन देखना चाहते हैं, और टाइटल के अंदर ही हम फॉरेस्ट देखना चाहते हैं फॉरेस्ट, तो हम यहाँ पर एंड और नॉट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम आइटम टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमने बुक पे टिक कर दिया, और अगर हम बुक और वर्किंग पेपर में इंटरेस्टेड हैं तो हमने 2 पे टिक कर दिया, या कोई रेंज में ही हम इंटरेस्टेड हैं, हमको जैसे याद है कि ये बुक 1980s की है तो हम उसको टाइप कर सकते हैं 1980 से लेकर 1989 तक, ऐसे करके। या आप सभी जगह न्यू कैंपस, जैसे जितनी भी लाइब्रेरीज हैं सभी में सर्च करना चाहते हैं, और सॉर्टिंग किस तरह करना चाहते हैं, जब रिजल्ट डिस्प्ले हो तो रिलेवेंस से करना चाहते हैं ये जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, या अगर आप चाहते हैं कि पॉपुलैरिटी से, पॉपुलैरिटी कैसे डिसाइड होती है, नंबर ऑफ टाइम्स बुक हैज़ बिन इशूड टू द यूज़र्स, जो बुक ज़्यादा इशू होगी वो ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। ऐसे ही ऑथर वाइज ए टू जेड या जेड टू ए में सॉर्ट करना चाहते हैं, या कॉल नंबर वाइज करना चाहते हैं, या फिर आप पब्लिकेशन कॉपीराइट डेट वाइज, एक्विजिशन डेट जब लाइब्रेरी में आई थी, हालांकि इसका बहुत यूज़ नहीं है हमारे लिए, बट एज ए स्टाफ हमको कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। टाइटल वाइज, अगर टाइटल वाइज के टाइटल के अल्फाबेटिकली करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, एंड देन वी कैन क्लिक सर्च। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि एक जो टाइटल है झारखंड एंड डिफॉरेस्टेशन क्वेरी बनी, और फॉरेस्ट। तो देखिए आप यहाँ पर इन्होंने क्वेरी बनाई है टाइटल में वर्ड झारखंड एंड टाइटल में वर्ड डिफॉरेस्टेशन और टाइटल में वर्ड फॉरेस्ट विथ लिमिट्स टाइप बुक एंड वर्किंग पेपर। ये क्वेरी है जो कि रन हुई है बैकग्राउंड में, और उसके बाद ये जो है हमको रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट 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 सब फॉरेस्ट वाले हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे कीवर्ड्स सामने दिए हैं
उसमें 569 रिजल्ट्स आए हैं और उन सभी को हम यहाँ से देख सकते हैं, या फिर अगर हम टाइटल वाइज देखना चाहें, टाइटल वाइज सॉर्टिंग करना चाहें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो टाइटल वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए 100 ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट्री है ब्रिज, ये अब ए बी सी डी से टाइटल वाइज सॉर्ट हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये द कैसे आ गया, तो द को वो अवॉइड कर देता है, द को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट, देखिए ऑटोमेटिक इसने कहीं भी फॉरेस्ट मिल रहा है तो सर्च कर लिया है। अब इसमें हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर हम सिर्फ इसमें हम किसी पर्टिकुलर इसमें इंटरेस्टेड हैं, किसी पर्टिकुलर ऑथर में इंटरेस्टेड हैं, या हम FAO की ही उसमें इंटरेस्टेड हैं, या हम इसको लिमिट कर सकते हैं जो हमारे पास लाइब्रेरी में करेंटली अवेलेबल है सिर्फ वही दिखाई है, ताकि जो हमारा समय बच सके वो सीधा सीधा वो दिखा देगा जो अवेलेबल होगी। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं ना अवेलेबिलिटी आइटम्स अवेलेबल फॉर लोन, तो इसकी अवेलेबिलिटी हम यहीं पे देख सकते हैं, कॉल नंबर यहीं से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर बहुत डिटेल में जानना है तो इस पर क्लिक करके हम इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी हमको दिख जा रही है, स्टेटस इसका अवेलेबल है। इसके अलावा हम यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं, इस डिटेल को, इस रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं, जैसे बिबटेक में या फिर RIS फॉर्मेट में, ताकि हम इसको रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इसको इंपोर्ट कर सकें, अगर या फिर हम इसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक, इंटरनेट, जहाँ भी चाहें, या अदर लाइब्रेरीज या अदर डेटाबेसेस में हम इसको सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आप देखिए ये सर्च ऑल्सो फॉर रिलेटेड सब्जेक्ट्स, ये भी जो हमने एक्सपैंड की बात की थी, एक्सप्लोड एक्सपैंड सर्च की बात की थी, वो यहाँ पर है। रिलेटेड सब्जेक्ट्स में सर्च करना चाहते हैं, नैरोवर सब्जेक्ट्स में सर्च करना चाहते हैं, या ब्रॉडर सब्जेक्ट्स में सर्च करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसके ब्रॉडर सब्जेक्ट्स में सर्चिंग हो जाएगी, नैरोवर में हो जाएगी, और रिलेटेड सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिक सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है, विद अ क्लिक। तो एक तरह से जो ओपैक्स हैं, और यहाँ पर हम नेविगेट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेज नेक्स्ट लास्ट और फर्स्ट प्रीवियस, इस तरह से नेविगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BBAU का देखें, तो BBAU में यहाँ पे देखिए आप कई जगह पे आपको टाइपिंग जो है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे लिखा भारत, तो ऑटोमेटिक स्पेस दबाने पे ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी एक फ़ीचर है। इसके अलावा टैग क्लाउड का एक फ़ीचर होता है जिसमें हम देख सकते हैं, तो एक तरह से जो है पूरे पूरे बहुत सारे सर्च फीचर्स जो हैं वो एक लाइब्रेरी कैटलॉग में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर वही स्क्रीनशॉट के थ्रू बताया गया है, वही सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो और इंडकैट जो है वो हमको बताया, मैं ये क्या है, बेसिकली एक यूनियन कैटलॉग है, जो कि अभी जैसे हमने गौतम बुद्धा का देखा या विक्रम साराभाई का देखा, तो क्या था कि वो IIM अहमदाबाद का और गौतम बुद्धा वाला अपने BBAU की ही लाइब्रेरी में हम देख सकते हैं। अगर हमको ये देखना है कि इंडिया में कोई पर्टिकुलर जैसे डॉक्यूमेंट है या कोई बुक है जो हम ये और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस किस यूनिवर्सिटी में ये बुक अवेलेबल है, तो उसके लिए इंडकैट एक अच्छा सोर्स है जहाँ से हम देख सकते हैं। तो हम लोग इंडकैट का डेमो देख लेते हैं। ये इंडकैट की वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी indcat.inlimnet.ac.in पर, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे इनके पास, इन्होंने बताया है कि इनके पास लगभग रिकॉर्ड जो है 95 लाख बुक्स का रिकॉर्ड है, 4 लाख से ऊपर थीसिस का रिकॉर्ड है इनके पास, सीरियल्स का मतलब जर्नल्स के 35,000 जर्नल्स का रिकॉर्ड है, 189 यूनिवर्सिटीज़ इनको कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और 443 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो थीसिस में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सीरियल्स के रिकॉर्ड के लिए 229 यूनिवर्सिटीज़ में सीरियल्स का रिकॉर्ड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 95 लाख जो है यूनिक टाइटल्स विथ इतने होल्डिंग डिटेल्स ऑफ 189 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया, बिबलियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, टाइटल, ऑथर, प्लेस, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल है। तो हम लोग चलते हैं सर्च करते हैं यहाँ पर। अगर इसके रिट्रीवल फीचर्स की हम बात करें तो सिंपल सर्च है और एडवांस सर्च है। सिंपल सर्च में एग्जैक्ट सर्च मतलब फ्रीज सर्चिंग अगर करना चाहते हैं, या फ्री सर्च मतलब वो टर्म कहीं भी आ जाए तो वो मैच कर लें, इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाइज,
या स्टेट वाइज फिल्टरिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना चाहते हैं, के कैटलॉग को सर्च करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं स्टेट वाइज। और यहाँ पे देखिए टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, ये सारी फील्ड्स जो हैं वो हम उनको सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बार फिर से सर्च करते हैं गांधी को, और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने गांधी से सर्च किया, और जब मैंने ऑल में सर्च किया तो ऑथर गांधी हैं उसको भी रिट्रीव कर दिया, और यहाँ पर रिलेवेंस स्ट्राइकिंग थोड़ी पुअर है। देखिए एक्चुअली होना क्या चाहिए, अगर टाइटल में मैच कर रहा है तो वो ज़्यादा रिलेवेंट होता है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया जो कि जिसमें टाइटल में गांधी नहीं है लेकिन वो टॉप पे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इसमें रेलेवेंस एल्गोरिदम अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 313 रिकॉर्ड्स आए हैं रिट्रीव होके, 16 मिलीसेकंड्स, जो रिस्पांस टाइम की हम लोग बात कर रहे थे, कुछ डेटाबेस दिखाते हैं तो वो रिस्पांस टाइम्स भी है जो है हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर हम इसमें किसी एक में, अब जैसे हम इसी को अगर सिर्फ ऑथर में सर्च करें कि ऑथर गांधी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसमें ऑथर में कहीं गांधी इन्वॉल्व है, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि टाइटल में गांधी होना चाहिए, तो अब ये देखिए कि गांधी का आर्थिक चिंतन, हिस्ट्री ऑफ गांधी, गांधी एंड मास मूवमेंट, और रिकॉर्ड्स में भी परिवर्तन हो गया है। तो ये फील्ड स्पेसिफिक सर्च का एक एग्जांपल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर फिल्टर्स अवेलेबल हैं एडिशन वाइज, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फिल्टर है दैट इज़ सर्च बाय यूनिवर्सिटी। आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, रिफाइन को क्लिक करेंगे, तो आपके रिकॉर्ड्स, या जैसे आप दो तीन यूनिवर्सिटी को ही देखना चाहते हैं, जैसे आपको बाकी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उन तीन को ही यहाँ सेलेक्ट करके रिफाइन कर लीजिए, तो उतने ही बुक्स आपको दिखेंगे कि भाई जैसे आपको देखना है गांधी के ऊपर बुक्स। अब आप चाहते हैं कि भाई मेरे नज़दीक में तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, अगर मैं गुजरात का हूँ, वीर नर्मद साउथ यूनिवर्सिटी है, और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, ये तीन यूनिवर्सिटी मेरे पास ही है, तो मैंने इसी को रिफाइन कर लिया, तो वही रिजल्ट्स दिखेंगे जो कि हैं। या अगर मैं सिर्फ हिंदी की ही बुक देखना चाहता हूँ, मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया, या ईयर वाइज भी मैं कोई एक पर्टिकुलर ईयर के पहले की ही बुक्स या उसके बाद की ही बुक्स देखना चाहता हूँ वो सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं पब्लिशर वाइज देखना चाहता हूँ कि भाई भारतीय विद्या भवन से ही पब्लिश्ड है या वो देखना चाहता हूँ, तो वो देख सकता हूँ। उसके बाद अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पे रिकॉर्ड पे क्लिक करें, तो हम यहाँ देख सकते हैं उसका टाइटल क्या है, ऑथर कौन है, और पब्लिशर क्या है, और हम यहाँ पे इसका किस किन किन यूनिवर्सिटीज़ में ये अवेलेबल है ये भी हम देख सकते हैं। जैसे ये देखिए टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और वहाँ पर इसका कॉल नंबर ये है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर हम यहाँ से रिक्वेस्ट, तो खैर आपको अलग से फीचर नहीं मिलेगा, आप इस कॉल नंबर को नोट कर सकते हैं और वहां जाके इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, बट फिजिकली आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा जहां पे ये शो कर रहा है। तो इसके अलावा आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब इसका रिकॉर्ड जो मेटा डेटा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं MARC 21 फॉर्मेट में। तो बुक का डेटा है, ऐसे ही जर्नल्स का डेटा है, जो कि जो जर्नल्स का भी डेटा बहुत अच्छा है। और एडवांस सर्च का एक फीचर अगर हम देखें, तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पब्लिशर वाइज अगर हम सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा एमराल्ड पब्लिशर्स होना चाहिए और हमने कहा सर्च, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एमराल्ड पब्लिशर पे अभी इनको कुछ नहीं मिला। और एक्चुअली ये सीरियल्स का डेटाबेस उतना सॉलिड नहीं है, बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट, ईयर, एडिशन, पब्लिशर, प्लेस, स्पेसिफाई करके एंड और नॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेट के बारे में हमने देख लिया, इसके स्क्रीनशॉट्स मैंने इसमें दे दिए स्लाइड्स में। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये वाली बुक दो जगह अवेलेबल है, अभी यहाँ पर एक्सेशन नंबर नहीं दिया है लेकिन ये दो जगह है इतना तो ये पता है। अब यहाँ पर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का कैटलॉग अलग से सर्च करके आप देख सकते हैं वेदर अभी अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट है जो एक और नेशनल यूनियन कैटलॉग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन पब्लिक लाइब्रेरीज़ का अपना एक नेशनल कैटलॉग है। मैं इसलिए इसको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें जो मुझे जो फीचर्स रिट्रीवल के फीचर्स लगे वो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स दिखाई दिए, और कैसे यूज़र इंटरफेस होना चाहिए एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का वो यहाँ देखने को मिला है। तो इसको हम लोग देखते हैं और एक जस्ट इसका लुक देख लेते हैं। ये trove.nla.gov.au है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर trove.nla.gov.au पे अवेलेबल है।
और ये ऑस्ट्रेलिया के ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के रिसोर्सेज का एक आर्काइव है, बुक्स, इमेजेस, हिस्ट्री, न्यूज़पेपर्स, मैप, म्यूज़िक आर्काइव्स एंड मोर, बहुत कुछ अवेलेबल है। देखिए कितना सारा कलेक्शन है इनका, तो इसका भी हम लोग डेमो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैंने खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग इसमें सर्च करते हैं गांधी से, और देखते हैं कि क्या क्या हमको डिस्प्ले करता है। देखिए यहाँ पे जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो ये लगी कि इनके इंटरफेस में आप ये जो इंटरफेस देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि जो फिल्टरिंग हमको यहाँ पे अवेलेबल थी पुराने वालों में, उस फिल्टरिंग को इन्होंने रिजल्ट डिस्प्ले में भी डिवाइड करके सामने की तरफ ला दिया है। मतलब कि जो रिजल्ट्स हैं उनको क्लासिफाई करके एक ही जगह पर डिस्प्ले कर दिया है। इस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं बेंटो बॉक्स। बेंटो बॉक्स का मतलब क्या है कि जैसे आप वो जापानीज थैली होती है ना, जिसमें कि चावल रखने के लिए अलग जगह होती है, दो सब्जी के लिए अलग जगह होती है, दाल के लिए अलग जगह होती है, तो जो आपके पूरी थाली को ऑलरेडी डिवाइड रहता है, जैसे आपके मेस वेस में खाने को मिलता है आपको बड़ी सी थाली रहती है, कुछ उसी तरह से इन्होंने देखिए पूरे जो आपके स्क्रीन पे जो अवेलेबल स्पेस है उस स्पेस में इन्होंने हर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वाइज एक एक बॉक्स बना दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर बुक्स के बुक्स जितने भी हिट हुए हैं वो दिखा दिया, पिक्चर्स फोटोज़ जितने हैं वो दिखा दिया, जर्नल आर्टिकल्स एंड डेटा सेट्स उनका एक बॉक्स बना दिया, म्यूज़िक साउंड्स के लिए वीडियो के लिए एक बॉक्स बना दिया, डायरीज लेटर्स जितने भी हैं संजय गांधी, ये गांधी से सर्च किया इसलिए दिखा रहा है, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बॉक्स बना दिया, लिस्ट्स का एक बॉक्स है। तो एक ही जगह पे हमें बार बार मैप्स है, गवर्नमेंट गैजेट्स है, डिजिटाइज न्यूज़पेपर्स एंड मोर, तो एक ही जगह पे अब हमको फिल्टरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब हम अगर सिर्फ इसी में इंटरेस्ट, सिर्फ बुक्स में इंटरेस्टेड है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको बुक्स दिख जाएंगे, और ये सबके अलग अलग रिजल्ट्स दिखा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे बुक्स में 12,201 रिजल्ट्स, पिक्चर्स में 533 रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसे ही जर्नल आर्टिकल में 5,300 रिजल्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया। इसके अलावा हम यहाँ से भी सॉर्टिंग अपनी रिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा था, जैसे अगर हम बुक चैप्टर में इंटरेस्टेड हैं या कॉन्फ्रेंस पेपर्स में इंटरेस्टेड हैं या जर्नल मैगजीन आर्टिकल्स में हैं तो हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। साउंड है, फोटोग्राफ्स हैं, माइक्रोफॉर्म्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, थीसिस हैं, फिर पीरियडिकल है, ये मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, और इनमें हम देखिए आप कितना सारा मटेरियल इन्होंने कलेक्ट कर रखा है। इस तरह का एक डेटाबेस बहुत ज़रूरी है पब्लिक लाइब्रेरीज़ का होना, जिससे कि हम देख सकें हमारा हेरिटेज क्या है, कल्चरल इन्होंने डिजिटाइज करके न्यूज़पेपर्स को रखा हुआ है किसी भी स्तर समय का। जैसे देखिए आप ये गांधी का कुटामुंद्रा हेराल्ड है, ये 1877 से 1954 का है, और ये पेपर 1937 का पेपर है यहाँ पर। तो अगर हम महात्मा गांधी में इंटरेस्टेड हैं और पुराने पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कैनबरा टाइम्स में गांधी ने 1978 में गांधी के ऊपर क्या लिखा गया था, और देखिए हुज हेल्थ इज़ नाउ न्यू रिपोर्टेड टू बी फॉलिंग इज़ टू से द लीस्ट ऑफ हिम मैकडोवेल ग्रांटेड सेपरेट इलेक्ट्रोड इन द फ्यूचर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हम लोग एक काम करते हैं कि किसी एक रिकॉर्ड को ओपन करते हैं और देखते हैं इनके रिकॉर्ड डिस्प्ले पेज में किस तरह से डिस्प्ले करता है। डेकेड वाइज, लैंग्वेज वाइज, ऑस्ट्रेलियन कंटेंट, सिलेक्टेड सब्जेक्ट व्यू, जो थिजोरस की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं थिजोरस पे क्लिक करके परफॉर्मिंग आर्ट में कितने हैं, म्यूजिक, ये इनका अपना इनबिल्ट थिजोरस है उसको हम देख सकते हैं। किसी एक पे क्लिक करते हैं तो अभी हम यहाँ पे देखिए जब हमने किसी एक पे क्लिक किया तो ये बेसिक वर्क है और ये वर्क जो है इसके 7 एडिशंस अवेलेबल हैं। तो हम किस एडिशन पे हमको जैसे हम इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे हम इंटरेस्टेड हैं 208 एडिशन पे, जनरलाइजेशन वाले पे इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो इसकी मेटाडेटा हमको मिल गया। देखिए कितना रिच मेटाडेटा ये लोग क्रिएट करते हैं। देखिए समरी पूरी डाली हुई है, कंटेंट्स डाले हुए हैं कि अगर कोई कंटेंट से भी सर्च करेगा तो उसको मिल जाएगा, नोट्स डाले हुए हैं, लैंग्वेज डाला है, जितने तरह के ISBN पॉसिबल है सब डाल दिए हैं, और DDC का नंबर भी अवेलेबल है और कंट्रीब्यूटर, और देखिए सब्जेक्ट्स, देखिए आप कितने सारे सब्जेक्ट्स डाले हैं इन्होंने।
है ना, हम लोग एक या दो सब्जेक्ट्स डाल देते हैं, और देखिए यहाँ पर गांधी कॉमा महात्मा 1869, और बहुत सारे डिटेल, जुवेनाइल लिटरेचर, बायोग्राफी, और स्टेट्समैन इंडिया, नेशनलिस्ट इंडिया बायोग्राफी, स्टेट्समैन इंडिया, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी नेशनल हमारे यहाँ के जो भी नेता रहे हैं उन सब के आप डिफाइड कर रखा है इन्होंने, आप देख सकते हैं। स्टेट्समैन में भी जा रहा है, इंडियन इंडिया पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट 1919 to 1947, प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज, तो आप देखिए कितने सारे सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं। और बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, मैप्स भी अवेलेबल हैं इसमें, पोर्ट अवेलेबल है, कितना साइज़ है, और जो हम लोग जितनी चीज़ें कैटलॉगिंग में पढ़ते हैं लगभग सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको साइट भी कर सकते हैं, और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं इस रिकॉर्ड को, यू कैन इवन टैग दिस ऑल्सो बाई सम टर्म। इसके अलावा जो हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वह ये है, हम अगर इसके बोरो टैब में जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। जैसे आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में ये अवेलेबल है, या फिर आप सिटी ऑफ पीएई के पब्लिक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और उसका कॉल नंबर ये है। ऐसे ही यह मेलबर्न लाइब्रेरी सर्विस में अवेलेबल है ये, तो आप यहाँ से इन पर्टिकुलर की अपने क्लिक करके उसकी पर्टिकुलर के कैटलॉग पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट दिखाने के लिए आया आपको। ठीक है, आप फिर इसके बाद यहाँ पर आप डिफरेंट जो लोकेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में उसके वाइज भी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो देखिए आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, और कवर पेज भी है यहाँ पर, नेविगेशन भी है, यूज़र एक्टिविटी को भी इंगेज किया है। और अब हम इसका एडवांस सर्च फीचर देख लेते हैं। एडवांस सर्च में आप देखिए यहाँ पर कीवर्ड्स जो वही सब फील्ड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ वर्ड, एनी ऑफ द वर्ड, मतलब और फ्रेज, और ऑल का मतलब कि एंड ऑपरेटर, एनी का मतलब और ऑपरेटर, फ्रेज का मतलब फ्रेज सर्चिंग, और नन ऑफ द वर्ड का मतलब नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे एंड और नॉट न लिख के बट थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं कि बुलियन को एंड और नॉट की तरह ही लिखा जाए। ऑल का मतलब एंड, एनी का मतलब और, द फ्रेज का मतलब कोटेशन मार्क, और मतलब कि पूरा फ्रेज एक साथ सर्च करना है, नन ऑफ द वर्ड्स का मतलब नॉट ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ पर हमने खुशवंत सिंह से सर्च किया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। नहीं तो अगर आप यहाँ पे कुछ और सर्च करना चाहते हैं, आईएसबीएन पता है, या फिर आप सिर्फ टैग को ही सर्च करना चाहते हैं, टैग सर्चिंग कर सकते हैं, क्रिएटर सर्चिंग कर सकते हैं, फिर आप अपने सर्च को लिमिट, जैसे पहले हमने देखा था कि जो आपकी लाइब्रेरी है आप उसी में लिमिट करना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलियन कंटेंट, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही कंटेंट है उसमें, फिर आप फॉर्मेट में लिमिट करना चाहते हैं, फॉर्मेट में भी लिमिटेशंस कर सकते हैं अगर आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, अवेलेबिलिटी में लिमिट करना चाहते हैं, लैंग्वेज में लिमिट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जिसमें आप स्पेसिफिक हैं उसी में सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो एडवांस सर्च के लगभग सारे फीचर्स जो हैं इन्होंने इसमें डाले हुए हैं, हालांकि इसमें ट्रंकेशन और अदर प्रॉक्सिमिटी वगैरह के बारे में जिक्र नहीं है। प्रॉक्सिमिटी का ज़्यादातर जो है वो ओपैक में मिलता नहीं है, और इसका जो जिक्र है वो यूजुअली जो है वो डेटाबेसेस में मिलता है, जिसको हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, या यहीं पर रुकते हैं, एंड ये देखिए सारे स्क्रीनशॉट मैंने इसमें डाल दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी।